पाकिस्तान क्रिकेट को भी देख रहे हैं, हम भी इंडिया क्रिकेट को फॉलो करते हैं, आप पाकिस्तान क्रिकेट को करते होंगे, दोनों क्रिकेट में फ़र्क आप बेसिकली क्या देखते हैं अगर हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो? देखिए सना भाई, मुझे नहीं पता कि अंदर क्या है, क्योंकि बाहर से कुछ और दिखता है, आपको भी इंडिया बाहर से कुछ और दिखता होगा, इंडिया में भी बड़ी कमियाँ होंगी, बट जो मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो तो सबको पता है कि नंबर वन आपके वहाँ पर सियासत के साथ साथ बोर्ड बदल जाता है, और जब बोर्ड बदलता है तो बोर्ड अदारे बदल देता है। हमारे यहाँ पे सपोज कीजिए अगर सिलेक्टर्स हैं, सिलेक्शन कमेटी है, बोर्ड चेंज होता है तो सिलेक्शन कमेटी थोड़ी होती है चेंज, वो ऑटोनोमस ऑटोनोमस है। यहाँ पे सिलेक्टरों को 4 साल का वो दिया जाता है, वो साल बाद या 2-2 साल बाद, डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटेंडेबल होता है वो। तो आप देखिए, ऐसा नहीं होता कि आज इसको हटा दिया, 3 महीने बाद उसको हटा दिया। बोर्ड की टर्म डिफरेंट है, कोच की टर्म डिफरेंट है, कप्तान की टर्म डिफरेंट है और सिलेक्टर की टर्म डिफरेंट है, वो क्लैश कैसे हो सकता है मुझे बताइए। हमारे तो बोर्ड के साथ, आप मुझे बताइए लास्ट टाइम कब हुआ था कि इंडिया में बोर्ड बदला और कप्तान भी उन्होंने बदल दिया? इंडिया में कप्तानी तो एक कंटिन्यूएशन है ना। मैं अगर 2000 से भी उठाऊं, सौरभ गांगुली कप्तान बने, सौरभ से राहुल द्रविड़ कप्तान बने, फिर जब राहुल द्रविड़ ने छोड़ा तो अनिल कुंबले ने 1 साल कप्तानी की, उस 1 साल में उन्होंने धोनी को प्रिपेयर किया, फिर धोनी कप्तान रहे, धोनी से गए विराट कोहली के पास, विराट के पास आए रोहित शर्मा के पास, तो 9 ही कप्तान हुए टोटल मिला के, या 6 कप्तान हुए। सो मेरा पॉइंट ये है कि बोर्ड बदलने से कप्तान, या बोर्ड बदलने से सिलेक्टर थोड़ी बदलना चाहिए, या बोर्ड बदलने से कोच थोड़ी बदलना चाहिए। और मैं तो ये भी मानता हूँ सना भाई कि पाकिस्तान टीम को ना शायद एक पाकिस्तानी कोच चाहिए, बड़ा वो लोकल कोच जी। अब वो कोई आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, प्लेयर्स एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, वो मुझे नहीं पता। और दूसरी बात है कि प्लेयर अगर बोर्ड से कुछ मांगता है वो खराब नहीं है, कप्तान अगर बोर्ड से कोई चीज़ डिमांड करता है वो खराब नहीं है। मेरा हमेशा ये मानना है कि एक कप्तान के पास एक राइट होना चाहिए, जो वो टीम मांगे उसको वो मिले, वो 90% उसको मिलनी चाहिए। और इंडिया में ये अक्सर हमने सुना कि होता भी है कि वो जी मुझे ये चाहिए, मैं ये मेरी सोच है, तो आप सिलेक्टर कहते हैं ठीक है। रिजवान शायद, आपने शाहीन अफरीदी को भी बनाया था ना जी, वो PSL में जीतते थे, फिर 1 साल उनका खराब गया जी, बट आपने वर्ल्ड कप के बाद बाबर को, अब मुझे नहीं पता बाबर को निकालना सही था या गलत था, सही है, बट जब बाबर एक बार चले गए तो यार एक सीरीज के बाद आपने शाहीन अफरीदी को भी थैंक यू कर दिया, क्योंकि आपका बोर्ड बदल गया। सो बोर्ड बदलने से आप क्रिकेट तो नहीं बदल सकते ना, कल को कोई और बोर्ड आ जाएगा फिर आप क्या करोगे? एंड आई थिंक ये इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी सीखना है कि जब आपकी हार होती है, जब आपका बुरा प्रदर्शन आता है, जहाँ पे एक टूर्नामेंट आपका बहुत खराब जाए, तो आप ना स्केप गोट्स मत ढूंढिए, बलि के बकरे मत ढूंढिए, आप बैठे उस पर आप चर्चा कीजिए कि यार ये हमने गलत किया, एंड आगे जाइए। हो सकता है आपको प्लेयर भी ना बदलने पड़े, हो सकता है आपको कप्तान भी ना बदलना पड़े, हो सकता है आपको सिलेक्टर भी ना बदल, कुछ ना बदलना पड़े, लेकिन कम से कम आपको वजह तो पता होनी चाहिए। ये तो बड़ा आसान होता है सना भाई कि बलि का बकरा दे दो खत्म, ये सलूशन है कि सर्जरी करके पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर आ। आपको लगता है कि इस टीम में से 5-10 क्रिकेटर निकाल दें तो पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो सकता है? नहीं, अगेन देखिए, क्रिकेटर निकाल देने से सना भाई टीम ऐसा नहीं है कि बन जाती है, वो इश्यूज को एड्रेस करना है, प्लेयरों को एड्रेस नहीं करना है। हो सकता है कि आपको लगता हो कि बाबर इज द बेस्ट कैप्टन, सो बी इट, बट उनको क्या चाहिए, उनसे क्या पूछ रहे हो, वो प्लेयरों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, मुझे आप कहना नहीं चाहिए बाहर से बैठ के। कुछ प्लेयरों की फिटनेस पे देख के लगता है कि यार ये नेशनल टीम में कैसे हो सकते हैं, और ये मैं सिर्फ एक प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और भी देख रहा हूँ, मैं और भी देख रहा हूँ। सो इतने आप नहीं हो सकते इमोशनल या कि किसी को परवाह ही नहीं है। अगर मैं एक क्लब की टीम बना रहा हूँ या स्कूल की टीम बना रहा हूँ या स्टेट की टीम बना रहा हूँ, उसमें थोड़ा बहुत चल सकता है। जब दुनिया फिटनेस पे इतनी आगे चली गई है, और पाकिस्तान के तो आपके प्लेयर यार मेंटली और फिजिकली फिट ही होते थे ना, तभी तो फास्ट बॉलर इतने बड़े बड़े आए जी जी। तो उनमें मैं आई फील सॉरी फॉर द लाइक्स ऑफ वसीम अकरम, वकार यूनुस, जो यहाँ पर कॉमेंट्री करने आए हुए हैं, आई रियली फील सॉरी, बिकॉज जिन लोगों के साथ बैठ के वो कॉमेंट्री करते हैं उन लोगों को वो कह के आउट करते होंगे। उस टाइम पे उनका इतना दबदबा हुआ करता होगा यार, वो शेर की तरह ऐसे छाती चौड़ी करके घूमते होंगे। अब क्या वो छाती चौड़ी करके वो प्रेस बॉक्स में तो बेचारे ऐसे ही बैठे रहते होंगे, हर बार एक ही बात बोलनी है, हर बार आके एक्सक्यूज देना है। सो आई फील सॉरी फॉर देम। बाकी ठीक है यार, देखिए अगर पाकिस्तान ने अपना सिस्टम खराब किया है तो आप अक्सर अच्छा नहीं करोगे, कभी कभी अच्छा कर जाओगे। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में फाइनल खेल गए 2 साल जी पहले, 1.5 साल पहले जी जी। उसको लोगों ने कुदरत का निजाम कह दिया जी जी। और हर बार आप कहते हो कुदरत का निजाम हो जाए जी जी। कैसे होगा? हो भी गया तो क्या आप आगे जा रहे हो? नहीं जा रहे हो। मैं तो इंडिया की भी बात करता हूँ,
टी ट्वेंटी में इंडिया ने भी अंडर अचीव किया अभी तक, बट फैक्ट इज कि टी ट्वेंटी में तो इंडिया भी पीछे है और इंडिया ने शायद पाकिस्तान से टी ट्वेंटी में कम गलतियां की हैं, बस इतना फर्क है। और जरूरी नहीं है कि जब आपका खराब आए वक्त तो आप टीम बदल दो। टीम बदलना सना भाई सबसे आसान काम है, आप ऐसा लगता है कि आपने कर दिया जस्टिस, ओए तू भी बार तू भी बार तू भी बार तू भी बार, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई कि उस प्लेयर ने हरवाया। बात है कि उस प्लेयर को चुना क्यों, अगर आप उसको ड्रॉप कर रहे हो उससे आपने काम क्यों नहीं करवाया, उसको आपने रोल क्या दिया था। बिल्कुल भाई, मतलब अगर कोई एक जंग हो रही है तो जनरल साहब को पूछेंगे या सिपाही को पूछोगे आप, सही बात तो वो चीज आती है। जिन्होंने चुना है बेसिकली प्रेशर पहले वहां से जी, और जरूरी नहीं है कि प्लेयर, इट कुड बी योर सिस्टम। एग्जैक्टली, सिस्टम तो बताएं हम क्या हैं। प्लेयर को तो यार बड़ा आसान हो जाता है कह देना कि तू गलत है भाई चल तू बाहर, पॉपुलिज्म वो गलत बात होती है। कैप्टन चेंज करने की जरूरत है पाकिस्तान, आई डोंट नो कैप्टन, अब दोबारा अभी आपने बनाया अब फिर एक महीने बाद कर दोगे तो और ज्यादा खराब हो गए। बट कभी कभी क्या होता है कि मैं अपने बच्चों का बाप रहूंगा ही रहूंगा, बाप नहीं बदल सकते लेकिन तरीका बदल सकते हैं, बच्चे भी अपना तरीका बदल सकते हैं, मैं भी अपना तरीका बदल सकता हूँ, आई थिंक वो चीज़ है। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल दोस्तों, विक्रांत गुप्ता जो कि इंडियन मीडिया के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान टीम पर एनालाइज किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान टीम दुनिया की बेहतरीन टीम है लेकिन कुछ सालों में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इस कदर गिर गई है कि वो छोटी से छोटी टीम से हार रही है। इसका बड़ा रीज़न उन्होंने मैनेजमेंट को कहा है, पीसीबी को कहा है, पीसीबी के बोर्ड को कहा है, जितने भी चेयरमैन हैं साल में दो दफ़ा चेयरमैन चेंज होते हैं और जिससे प्लेयर्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, कैप्टन्स पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। एक कैप्टन को दो महीने के लिए बनाते हैं फिर उसको हटाकर दूसरे को बना देते हैं, उसे अपनी कारकर्दगी साबित करने का मौका ही नहीं देते। जैसे कि शाहीन अफरीदी को सिर्फ दो महीने के लिए कैप्टन बनाया था और उसके बाद बाबर आजम को फिर से कैप्टन बना दिया, उनकी दिल आज़ारी हुई शाहीन की और बाद में फिर यही चेयरमैन बोलते हैं कि ग्रुप बने हुए हैं टीम में, बाबर का अलग ग्रुप है, शाहीन का अलग ग्रुप है। लेकिन मेन कारण यही है कि पाकिस्तान का बोर्ड सही नहीं है, करप्ट बोर्ड है, पाकिस्तान में पर्ची सिस्टम चल रहा है, क्रिकेट में हर कोई पैसे बनाने की कोशिश कर रहा है जितने भी हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो फॉरनर कोचिस को हायर करने के बजाय अपने लोकल एक्स प्लेयर्स को हायर करे कि वो पाकिस्तान पर मेहनत करे और पाकिस्तान अच्छी कारकर्दगी दिखाए। उनका कहना था कि बाबर आजम भी अच्छे कैप्टन हैं, उन्हें चेंज नहीं करना चाहिए, जैसा कि मोहसिन नकवी चेयरमैन ने बोला है कि एक बड़ी वर्ल्ड कप के बाद सर्जरी होगी, ऑपरेशन होगा जिसमें सभी प्लेयर्स को निकाला जाएगा चाहे वो सीनियर हो या जूनियर। दोस्तों आपका क्या कहना है विक्रांत गुप्ता की इस गुफ्तगू पर, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।